गुड मॉर्निंग बेटा, आज अपन पाठ हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। सर्कस का सिंह, सर्कस का सिंह। सिंह यानी क्या होता है? शेर। शेर को सिंह कहते हैं। शेर जो होता है वो जंगल की शोभा होता है, जंगल की शोभा बढ़ाता है वो। यदि उसको हम जंगल में देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, इधर उधर घूमता हुआ दिखता है, उसे देख के हम सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि हम उसको बंदी बना लेते हैं अपने घर पे, या सर्कस में लोग ले आते हैं उसको घर पे, तो नहीं सर्कस में लोग उसको बंदी बना लेते हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, वो खुशी रहता है। सर्कस में वो जितने भी कर्तव्य हमें दिखाता है वो सब वो मजबूरी में करता है, अपनी खुशी से नहीं करता है। कोई भी जंगल का जानवर हो, यदि हम उसे बंदी बना लेते हैं और हम उससे अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाते हैं, तो वो जानवर हमेशा दुखी रहते हैं। हमें जो दिख रहा है वो काम कर रहे हैं वो बहुत दुखी मन से करते हैं, मजबूरी में करते हैं, डर के करते हैं, खुश होकर नहीं करते हैं वो लोगों का, है ना। जैसे यदि हम लोगों को कोई बंदी बना लेता है, हमें कोई अपने पास रख लेता है ज़बरदस्ती और हमसे कुछ काम करवाता है, तो हम करते हैं, डर के मारे करते हैं, लेकिन उससे हमें खुशी नहीं मिलती है, उससे हमें दुख होता है, उसे करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम मजबूर होते हैं इसलिए हम करते हैं। इस पाठ में हमको यही बताया है कि एक जो शेर होता है जिसे हम सर्कस में देखते हैं, वो साइकिल चला रहा है, किताब पढ़ रहा है, ऊपर से कूद रहा है, ये सब काम कर देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जो शेर है वो ये सब क्यों कर रहा है, कितनी मजबूरी में कर रहा है, वो हमको इस पाठ में बताया है। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल निराले देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, झट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन एक बच्चा कौतूहल यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उसके मन में, बहुत उसने लोगों से सुन रखा था कि सर्कस में ऐसा होता है, सर्कस में ऐसा होता है, तो वो सब सोचकर वो भी सर्कस देखने का मन बनाकर एक दिन सर्कस देखने गया। वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि सर्कस में बहुत सारे डरावने और आश्चर्यचकित खेल थे, बहुत सारे खेल ऐसे थे जिन्हें देख के डर लग रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिन्हें देख कर बहुत आश्चर्य हो रहा था। तो उसने ये सब देखा, उसने क्या देखा, एक बंदर आया और उसने आकर माचिस जलाई और एक लैंप को जला दिया, उसके बाद कुर्सी पर जाकर बैठ गया और पुस्तक खोल कर पुस्तक पढ़ने लगा। आ तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चोर उठाया उसने घोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, टट्टू ने भी किया सपाटा, पटकी फांदी चक्कर काटा। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने लैंप चलाया बंदर ने और बैठकर पुस्तक पढ़ने लगा, तभी एक मैना आई और उससे क्या बोली कि हुजूर आपका घोड़ा तैयार है, आप आइए। तो जैसे उसने सुना घोड़ा तैयार, उसने छत से कोड़ा उठा लिया, घोड़े को मारने के लिए कोड़े की जरूरत पड़ती है, उसने अपना कोड़ा उठाया और खड़ा हो गया। तभी क्या देखा, एक बछेरा, बछेरा यानी गाय का बछड़ा आया और इसे स्टेज पर घूमकर वापस चला गया। और टट्टू यानी गधा, वहाँ देखा एक गधा आया, उसने भी वहाँ पर सैर सपाटा किया, इधर से उधर दौड़ा, लोगों को हंसाया और निकल गया, चक्कर काट के वहाँ से चला गया। अब कोई गधा या कोई घोड़ा ऐसे कर सकता है, लेकिन सब मजबूरी में करते हैं, क्योंकि सर्कस में उनसे ये सब करवाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबा कर ऐठा, माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया, ले उसकी अत जली सलाई, तोते ने आ तोप चलाई। फिर क्या हुआ, बंदर ने जाकर कुर्सी पर बैठ गया और उसने मुंह में मोम यानी मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होती है ना, उसको ऐसे मुंह में दबाया और माचिस से उसको जला के और उसे टेबल पर चिपका दिया। हमें अगर मोमबत्ती चिपकाना होती है तो हम उसे जलाते हैं, फिर उसे पिघला देते हैं और वहाँ पर जमा देते हैं। तो बंदर ने भी सेम वही काम किया और उसने जो सीख फेंक दी थी आधी जली हुई, तो वहीं पर क्या हुआ, एक
तोता आया और उसने उस अधचली हुई सीप को उठाया और उसे तोप चला दी। जबकि ऐसा होता है क्या, लेकिन सर्कस में उन लोगों को ये सब सिखाया जाता है। तोते ने तोप चला दी। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की, मैंने इस भांति बढ़ाई। नहीं साहसी जन डरता है, नरनाहार को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी हे बम भोला। यह सिंह का जना हुआ है, किंतु स्यार ये बना हुआ है। क्या बोला, तभी उसने देखा कि एक आदमी आया और उसके साथ में एक शेर था। नर नाहर यानि नर यानि आदमी, नाहर यानि शेर। उसने क्या देखा कि एक आदमी आया, उसके साथ में शेर था। उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे देखो, इतने भारी भरकम शेर को एक आदमी ने पकड़ रखा है। बड़ा खुश हो गया और उसने क्या बोला, अरे वाह, देखो ये आदमी कितना ताकतवर है, ये आदमी कितना बहादुर है, इसने शेर को अपने बस में कर रखा है। शेर इसके साथ साथ चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं डरता है शेर से। तभी जो उसका मित्र था, उसने क्या बोला, उसके मित्र ने बोला, अरे ये तो शेर का बच्चा है, ये तो इससे सब डरते हैं, लेकिन अभी सर्कस में ये सियार बना हुआ है, एक डरपोक सियार बना हुआ है, क्योंकि इसे सर्कस वाले पकड़ के ले आए हैं। नहीं तो ये भी शेरनी का बच्चा है, ये शेर है, इसको कोई बस में नहीं कर सकता। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। फिर उसके दोस्त ने क्या बोला कि ये तो शेर का बच्चा है, इससे सब डरते हैं, ये किसी से नहीं डरता, लेकिन आज तो ये भी सियार जैसा डरपोक बना हुआ है, इसलिए कि इसको बचपन से ही आप पकड़ कर ले आए थे, बचपन से ही इसको मार मार कर ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। ये कभी भी खुले में नहीं रहा है, ये कभी जंगलों में नहीं घूमा है, इसलिए इसको इसकी ताकत पता ही नहीं है कि ये क्या कर सकता है, इसीलिए ये डर रहा है। और डर के मारे जैसा ये मनुष्य कह रहा है, ये वैसा ही काम करता जा रहा है। इसको बहुत मारा गया है। बचपन में क्या करते हैं, जब छोटे छोटे जानवरों को ले आते हैं तो उनको मार मार के उनसे सारे काम सिखाए जाते हैं, करवाए जाते हैं, तो डर के मारे बेचारे वो सब करते जाते हैं वैसा काम। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि तुम जो बड़ी बड़ाई कर रहे हो ना कि ये मनुष्य है और ये शेर से नहीं डरता है और देखो ये शेर को कैसे पकड़ के ला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस शेर से सब डरते हैं, बस ये बात है कि इसको बचपन से बंदी बना लिया गया है, इसे बचपन से यहाँ पर लाया गया है और रोज इसको मार मार के कभी खाना नहीं देते हैं, कभी कोड़े मारते हैं, हंटर मारते हैं और इसको वैसा ही करने को कहा जाता है। तो डर के मारे ये सारे वो ही काम करता रहता है, इसलिए ये अभी सियार के जैसा डरपोक बना हुआ है। और सच बोलूं तो मुझे तो इसे देखकर इसके ऊपर दया आ रही है, क्योंकि देखो बेचारा कैसे डर रहा है, जबकि इससे तो सब लोग डरते हैं। ये पोयम बेटा पूरी हो गई है। थैंक यू।